कम से मयंक श्रेष्ठ में नाम मेरा। यहाँ पर ये लोग पैसा जमा कर लेते हैं, अभी तक ये बोल रहे हैं हमसे कि नेट नहीं आ रहा है, इस वजह से ये लोगों को चक्कर कटवा रहे हैं। आज हमको 5-6 दिन हो गए यहाँ पे चक्कर काटते हुए, कुछ लोगों के यहाँ पे महीने महीने भर भी चक्कर हो गए इनके, ठीक है। और बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक की शाखा है, हाँ दिक्कत बड़ौदा शाखा है ये, और मैं यहाँ पे परेशान हो रहा हूँ, बहुत चक्कर लगवा रहे हैं मुझसे। ये पैसे मैंने जमा किए हैं इसमें 1000 रुपये, इन्होंने मुझसे लिए जमा की पर्ची दी है, और वो ये रोज़ टहला रहा है और शो नहीं कर रहा मेरे अकाउंट में पैसा। कितने लोगों के साथ लगभग, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ? लगभग बहुत लोगों के, लोग हैं बहुत लोग हैं, जिस कुछ महिलाएं इनके 1.5 महीना हो चुका जमा किए हुए पैसा, उनके अकाउंट में अभी तक शो नहीं हुआ पैसा। कौन सी शाखा है ये? बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा है कोटला पजावा। तो कब से चल रहा है काम ऐसा? काम 1.5 महीना तो इन लोग, ये लोग खुद बता रही हैं, 1.5 महीना इन लोगों को खुद हो चुका है, ये लोग खुद बता रहे हैं अपने। ये रोज टहला देते कि कल आ जाएंगे पैसे, परसों आ जाएंगे अकाउंट में पैसे आपके, बस ऐसे कह के टहला देते हैं। क्या मानना है, फर्जी है? ये तो फर्जी लग रहा है। काम तो तक बोल रहा है, काम नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, ये परेशान कर रहे हैं। मेरा नाम शाहाना है। शाहाना जी, आप यहाँ बैठी हैं, क्यों बैठी हैं, क्या मामला है? बहुत देर से हम लोग यहाँ पर आए, इतनी दूर से किरायावाड़ा खर्च करके अपने बच्चों को घर पे छोड़ के, लेकिन यहाँ पर जरा सी भी सुनवाई नहीं है। काफ़ी टाइम से हम लोग यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं। बैंक में भी अंदर यहाँ देखे जा रहे हैं, शाखा पर कोई है नहीं? कोई नहीं है, वो भी चले गए छोड़ के। खाली कर, यहाँ पर कोई भी नहीं? कोई भी नहीं है, पूरी ब्रांच खाली पड़ी है, पूरी ब्रांच खाली है। क्या नाम है आपका? नाजमा। रोज आते हैं, पैसे नहीं निकाल रहे। मेरे भतीजे ने पैसे बाहर से भेजे हैं भाभी के लिए, ऑपरेशन कुछ होने वाला है, तो वो पैसे नहीं निकल रहे। एक खाते में 9000 डाले, एक खाते में 5000 डाले हैं। तो ये दे रहे ही नहीं है, निकाल के कह रहे हैं वेरीफाई नहीं हुई, वेरीफाई नहीं हुई। यहाँ पे भी वेरीफाई पर्चे जमा कर गई फार्म, और बड़ी बैंक में ही फार्म जमा कर दिए। अब उन्होंने की मुझे मालूम नहीं है, मेरी कह रहे हैं वेरीफाई नहीं हुआ, वेरीफाई नहीं हुआ। अब मैं फार्म भी जमा कर गई, तो अब पता नहीं, अब मैं लेने के लिए आई हूँ, अब देखो क्या कहते हैं, पता नहीं मुझे। आज मैं आई हूँ, अब 2 दिन की कह दी थी, 2 दिन बाद आना तुमको, अब पता नहीं क्या कहेंगे। हाँ, बैंक से अटैच है वो, क्या मामला है उसका? कई तरीके के मामले आ रहे हैं संज्ञान में, कई तरह के मामले संज्ञान में आ रहे हैं कि कुछ पैसों का, कुछ लोगों का पैसा लिया है, उसने जमा डिपॉजिट नहीं किया है, वो लोग काफ़ी हंगामा इस तरीके का, पूरा मामला है क्या? हमारे संज्ञान में शिकायतें आई हैं कस्टमर्स की, तो उन्होंने धोबी वाली पुलिया पे जो CSP है वहाँ पे उन्होंने पैसे जमा करे हैं, लेकिन वो उनके खातों में नहीं आए हैं। तो उनकी जो शिकायतें हमसे, हमें प्राप्त हुई हैं, वो हमने जो है उनका जो कोड है, जो उनका कोड है, वो हमने फ्रीज कर दिया, और हमने जो है ये जो है ऊपर भी बता दिया है। सर, उस लोकेशन पर कितने समय से ये कॉल चल रहा है? इतना मुझे आइडिया नहीं, लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मैं देख रहा हूँ चल रहा है। तो ये देवेंद्र को जब दिया गया है तो वो कितने समय पहले दिया गया है? मुझे, मेरे ख्याल से 4-5 साल तो हो गए। उससे पहले एक जुगेंद्र के पास भी रहा था यही कॉल? मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मैं तो अभी आया हूँ, ज़्यादा दिन हुए नहीं, 2 साल हुए लगभग। हाँ, कुछ लोगों का मानना है कि बिना किसी नोटिस के बैंक ने उसको हटा दिया, जोगेंद्र को, दूसरे को? नहीं नहीं, वो जोगेंद्र के बारे में मुझे ज़्यादा बातें पता भी नहीं है, क्योंकि तो मेरे सामने तो यही कहना है कि 200 रुपये इनसे एंटी फीस दे दी गई है। इस तरह कोई शिकायत मेरे पास आई नहीं है कस्टमर के द्वारा, कोई शिकायत नहीं। अब आपकी तरफ से किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है? हमने फिलहाल तो उसका कोड सीज कर दिया है, फ्रीज कर दिया है बिल्कुल, और उसको हिदायत दे दी है कि आप जिनके भी जो भी शिकायतें हैं वो आप उन्हें दूर करें, अन्यथा आपका जो है सेंटर पे बंद कर दिया जाएगा बिल्कुल। अभी वो लोन देन नहीं कर सकता, क्योंकि उनका जो जो लोगों का पैसा फंसा हुआ है उसको आप किस तरीके से रिकवर करवाएंगे? जितनी हमारे पास शिकायतें आई, हमने उनसे कहा है कि आप जमा करें उसको, उससे रिकवरी करने की कोशिश करेंगे।